नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल जेनेक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, आहूजा तो नहीं है, ना ही स्टूडियो मास्टर है। आज हमारे साथ है पायनियर डीजे का XDJ700 मीडिया प्लेयर। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ टेस्टिंग भी करेंगे। और आज बहुत अच्छी खास बात है कि आज है भोपाल में, हम रायपुर में नहीं है आज। और आज हमारे साथ हमारे दो भाई हैं, डीजे V2 एंड डीजे कृष्णा। ये दोनों भोपाल में बहुत ही अच्छे, मतलब इनका मार्केट है और बहुत अच्छे और फेमस डीजेज हैं दोनों। बहुत ही, दोनों भाइयों का बहुत ही प्यारा काम है। आप लोगों का भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल इनसे कांटेक्ट करके आप लोगों को अरेंज करवा के दूंगा। तो चलिए अपना चालू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, आप लोग भी वेट मत कीजिए और मैं चालू करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। उसके बाद हम एक टेस्टिंग वीडियो भी लेंगे इसकी। रेडी, बड़ी अच्छी पैकिंग है यार। ठीक है, वो पैकिंग करते हैं पर पायनियर वाले। बात करेंगे इनबॉक्स कंटेंट्स की, तो हमारे पास एक इंडियन पावर केबल है, एक आरसी केबल, और ये क्या है, कुछ नया सा दिख रहा है, हरा हरा सा। खोल के देखेंगे, खोलते हैं। ये भी पावर केबल ही है, डिफरेंस बस इतना है कि ये जो है कहाँ के लिए है, फॉर यूज इन ताइवान ओनली। आप लोग को डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं। ये है हमारा इंडियन और ये जो आप देख रहे हैं ये ताइवान। आपके पास अडॉप्टर हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो वैसे अपनी इंडियन तो है ही है। जय भारत। आगे चलते हैं, और क्या है इसके बॉक्स में, इन सबको रखो। इसके साथ आता है इसका वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल, एक स्टैंड जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, पायनियर डीजे को मानना पड़ेगा इस बात के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा प्लेयर, अभी इसको साइड में रख देते हैं, बाद में बताएंगे। एक है अडॉप्टर जो कि इसको चालू करने के लिए, इसकी स्पेसिफिकेशन है 12 वोल्ट 2 एम्पियर्स। अच्छा है, पायनियर डीजे की ब्रांडिंग है इसमें भी। और एक आ जाती है लैन केबल, देखते हैं क्यों दी हुई है ये। अब आ जाता है हमारा मेन डब्बे में, करते हैं साइड प्लेयर। पैकिंग तो वैसे अच्छी है, प्रोटेक्शन ये आ गया हमारा प्लेयर बाहर, देख सकते हैं आप दोस्तों, ओवरलुक देखिए आप इसका। मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे 7 इंच का इसका स्क्रीन दिया है जो कि टच स्क्रीन है। USB पोर्ट है, USB स्टॉप के लिए बटन है, बीट लूप है इसमें जिसमें आप ब्लू लूप बटन है, ट्रैक सर्च बटन है, ट्रैक के लिए आगे रुक। और ये दिया है इन ट्रैक सर्च बटन जिससे कि आप गाने को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया अपना क्यू बटन, प्ले पॉज बटन, जॉग व्हील, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जैसा कि पायनियर हमेशा देता है अपने प्लेयर्स में। थोड़ा सा टाइट है, अच्छी बात है। पिच सिलेक्टर फेडर है जो कि विनाइल मोड के लिए स्विच दिया हुआ है। यहाँ पे अपन टेम्पो सिलेक्ट कर सकते हैं, टेम्पो में +-6, +-10 है, +-16 का ऑप्शन है। साथ ही साथ वाइट कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है, मास्टर टेम्पो जो कि आता ही है। रोटरी नॉब है गाने सेलेक्ट करने के लिए, बैक बटन, टैग ट्रैक रिमूव का बटन दिया हुआ है। पीछे देखेंगे तो क्या क्या है, यहाँ पे एक लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट, और इसके बाद आ जाता है लिंक जो कि अपना एक हब आता है, उससे अपन चार प्लेयर एक साथ
छोड़ सकते हैं, उसके लिए ये लिंक पर पोर्ट दी हुई है, आरसी आउट एंड पावर इनपुट डीसी इन दिया हुआ है, और साथ ही साथ स्टैंड बाय के लिए भी ये बटन यूज़ होता है, ऑन ऑफ स्विच है ये दिया हुआ है। और पीछे देखेंगे तो ये केबल फंसाने के लिए पोर्ट है, और यहाँ पे शायद स्टैंड लगेगा। तो बाकी तो और कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि ये XDJ सीरीज़ है तो इसमें CD नहीं लगती है। और चलिए दोस्तों करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं क्या क्वालिटी है इसकी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं इस प्लेयर की टेस्टिंग वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो दोस्तों आपको मैं हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला था, तो मैं आप लोगों को मिला देता हूँ दोनों से। हमारे DJ कृष्णा, सबसे पहले इनका इंट्रो दिया जाए। ये है हमारे DJ कृष्णा, भोपाल में इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है DJ की लाइन में। आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल ही आपके लिए अवेलेबल होंगे। और इसके बाद आपको मिलवाते हैं हमारे DJ V2 से। हाँ तो दोस्तों ये है हमारे DJ V2। हेलो गाइस, भोपाल में इनका भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, प्ले भी अच्छा करते हैं। आपको दोनों की कभी भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल ये दोनों आपके लिए अवेलेबल होंगे। सो गाइस बने रहिए, अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और टेस्टिंग वीडियो भी हम दोनों भाइयों के साथ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।